अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आया हुआ था यहाँ पे घर से काफ़ी दूर एक काम से, तो मैंने अभी यहाँ पे मैं वेला बैठा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज ब्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को, बड़े मज़े की। वो स्टोरी है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हम होते थे छोटे, मैं मेरे बहन भाई सब हम लोग होते थे छोटे, और मैं तकरीबन जब से पैदा हुआ मैं मुल्तान में ही रह रहा हूँ। तो अब मुल्तान जैसे, मतलब मुल्तान इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, लेकिन ये कि एक मंडेन उसमें आ जाता है, मिड मिड में आ जाता है, कि मतलब है बड़ा भी है थोड़ा सा, थोड़ा छोटा भी है। तो हमारे यहाँ इस शहर में इतने ज़्यादा इवेंट्स होते नहीं हैं, मतलब कोई भी बड़ी सतह पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हो हर आए दिन, या फिर कोई ना कोई बड़ा कोई इवेंट हो रहा हो, इंटरनेशनल मैचेस जैसे अब हुए हैं कुछ टाइम पहले वेस्ट इंडीज़ का जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पे PSL के एक थोड़े टाइम पहले हुए थे, इतने बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पे होते नहीं हैं। तो हम लोग तकरीबन, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं हूँगा कोई कोई 8, 9, 10 साल का हूँगा, और इसी तरह मतलब मेरे बहन भाई भी थे। रियान जो था, जो मेरा छोटा भाई है, वो उस टाइम बिल्कुल ऐसे था कि ना जैसे 4, 5 साल का होगा, वो 5 साल का होगा। तो यहाँ पे हमारे सिटी में यहाँ पे हुआ एक जलसा एक पॉलिटिकल पार्टी का, वो पॉलिटिकल पार्टी तब्दीली वाली पार्टी है, होप यू गेट द पॉइंट, मैं नाम नहीं लूँगा। तो उनका था जलसा, वो जलसा था हमारा यहाँ पे जो दरबार है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा मतलब ग्राउंड है वहाँ पे था जलसा। तो वहाँ पे जो लीडर हैं उस पार्टी के, उनका जाहिर बात है उन्हीं का जलसा था, उन्होंने आना था कोई रात में, कोई काफ़ी देर से। तो अच्छा, हम लोगों की फैमिली ने प्लान किया कि हम लोग ना चलते हैं जलसा देखने, क्योंकि बड़े टाइम बाद कोई ना कोई इवेंट हो रहा था, तो हमने कहा कि हम लोग ना चलते हैं देखने, जलसा देखने चलते हैं। तो खैर हम लोग गए, अब हम लोग रास्ते में गए तो हमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है, कि आप, मेरा तो मशवरा ये है कि कोई जलसे में जाए ना तो लड़के वगैरह चले जाएँ, फैमिलीज को ना लेकर जाए, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो अब उस रश का ऐसा सीन था कि अब हम सारे जा रहे हैं, मेरे अब्बू जो हैं वो हम लोग को, जो मैं हूँ और रियान, हम रियान को ऐसे उठाया हुआ था गोद में, यूं करके ऐसे जैसे उठाते हैं, और मुझे मेरा हाथ पकड़ के ना वो बस चल रहे थे, उन्होंने कहा था हाथ नहीं छुड़वाना उसे। अच्छा, तो हाथ नहीं छुड़वाना, अब हम लोग जा रहे हैं फुल रश के अंदर से, बीच बीच में घुस से ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड में जाना ही बड़ा अजाब था उस टाइम में। तो हम लोग बीच बीच में से जा रहे हैं घुस के, अब बिल्कुल मैंने सोचा था यार हाथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, मेरी चप्पल उतर गई वहीं पे, मेरी उस रश में चप्पल उतर गई, मैंने कहा हाथ नहीं छोड़ना, वो खैर है नंगे पाँव चलते रहो चलते रहो, हाथ नहीं छोड़ना हाथ नहीं छोड़ना, वरना गुम हो जाएंगे। अच्छा, अब ऐसे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे, बीच में रश से निकले, थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके देखा तो हाँ जी जी थोड़ा सा ग्राउंड सेट हुआ ये वो, क्योंकि रश इतना, हम जा रहे हैं अभी घुस रहे अंदर ये करके, अब जा रहे हैं। अब ऐसा हुआ कि मैं जा रहा हूँ ना, मतलब जैसे ये है कि मेरे अब्बा जान आगे आगे चल रहे हैं, मैं उनके हाथ पकड़े पीछे पीछे चल रहा हूँ, और बीच में ना एक मोटा सा कोई इंसान आ गया, कोई मोटा सा, और वो यूं करके, अब सारे यूं जा रहे हैं, वो बैकवर्ड पे आके ना ऐसे यूं करके गया, कि ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था तो ना बीच में से हाथ हमारा ना ऐसे छूट गया, बीच में भाई साहब मोटे इतने थे वो, तो हमारा हाथ छूट गया। अब हमारा हाथ जैसे ही छूटा, अच्छा हमारा हाथ जैसे ही छूटा, मैंने उसी टाइम ऐसे करके अपने अब्बा जान को देखा, अब्बू को देखा मैंने, और अब्बू ने पीछे उड़ के देखा। अब मैंने सोचा मैंने जल्दी जल्दी से बीच में निकलूँ, हाथ पकड़ लूँ, पता नहीं मैंने किसका हाथ पकड़ा किसका नहीं पकड़ा ना, अब वो हाथ जो है वो छूट गया। अब मुझे नहीं पता है वो रश में कहाँ आ गए, अब्बू क्या हुआ, अब मैं उस टाइम अकेला था, जाहिर बात फिर उन्होंने जलसा तो अटेंड नहीं किया होगा, मैं इधर हूँ वो जलसा अटेंड करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अच्छा, अब मैं वहाँ पे जी देख रहा हूँ यार अभी क्या करूँ, मैं बिल्कुल साइड पे होके ना खड़ा हो गया, मैं ऐसे ऊपर होके, वो होती ना ऐसे दीवार होती है, लेकिन दीवार पे ना ऐसे प्लेन आ रही थी दीवार, लेकिन यहाँ यूं करके ना ऐसे कुछ जगह हल्की सी जगह होती है थोड़ी सी बनी हुई, फिर आपके ऊपर से जगह होती है, बस पता नहीं समझ आ रही नहीं आ रही। तो मैं ना उस पर चढ़ के ट्राई करूँ ऊपर करके, क्या वो देखूँ कहाँ के क्या है किधर गए वो। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिले वो बिल्कुल, अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे एक एक तो मेरी चप्पल गुम हुई भी, एक चप्पल गुम गई, और दूसरा मेरे अब्बा जान को वो, ठीक है मेरा उनसे जो है वो हाथ छूट गया, दो मेरा हाथ उनसे छूट गया। अब मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, मैं साइड पर हो गया, अब मैंने ट्राई, मुझे रोना भी आ रहा, जाहिर ही बात है यार, अब इतना छोटा था बच्चा और गुम हो जाए, उसको रोना नहीं आएगा, मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ना इतना आसानी से रोता नहीं हूँ, तो अब मुझे रोना आ रहा है, मैंने कहा यार अब क्या करूँ क्या करूँ। मैं अब साइड पे गया, मैं आगे, पहले तो मैं आगे चला गया उसी रश में से घूम के ना, मैं आगे चला गया, मैंने कहा शायद कहीं जाके ना अब्बू मुझे मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए सीन हो जाए, लेकिन इस तरह का ना कोई सीन हुआ नहीं, वो मिले नहीं। अब फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, फिर
फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उस टाइम ना रात भी हो गई थी, मतलब शाम का टाइम होने जलता तो ना रात हो गई, मैं ढूंढते ढूंढते रात हो गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ना जाता हूँ एंट्रेंस पे, जहाँ से हम एंटर हुए थे ना, मैं वहीं पे जाता हूँ और वहाँ पे आकर ना खड़ा रहता हूँ। अब वहाँ पे मैं चला बगैर चप्पल के, मुझे रास्ता इतने सही से आता नहीं, लेकिन दरबार का जो रास्ता है ना वो यूं करके ऐसे ऊपर की तरफ है, तो मुझे पता था मैंने ढलान से जो है वो ढलान होते ढलान से ना मैं नीचे जाना, तो नीचे की तरफ एंट्रेंस होगी, तो मैं नीचे चला गया। तो अब जब मैं नीचे गया तो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे एंट्रेंस पे, सब कुछ खड़े थे। अब मैं जाके उनके पास जाके ना खड़ा हो गया। अब मुझे समझ नहीं आया यार मैं क्या करूँ। मैं पुलिस वाले अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल, कहते जी, मैंने कहा अंकल वो ना मेरे ना अब्बू जो है ना वो गुम हो गए, वो मतलब पता नहीं मिल नहीं रहे ना मेरा। फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ था, मैंने कहा वो मेरा हाथ छूट गया था, यूं करके हम लोग जा रहे थे मेरा हाथ छूट गया, मेरी चप्पल भी गुम हो गए ना। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा अंकल वो कॉल कर लूँ मैं, तो उन्होंने फिर अपना मोबाइल दिया, कॉल की, पहली कॉल पर अब्बू ने उठाई नहीं। मैंने कहा ये एक और मसला, अब उठा नहीं ऊपर। अब दूसरी कॉल उठाई तो मैंने उनसे बात की, अब्बू कहते हैं हाँ अच्छा अच्छा ठीक है वहीं रहो मैं आ रहा हूँ अच्छा मैं एंट्रेंस पे खड़ा हूँ। अब मुझे एंट्रेंस पे खड़े हुए कितनी देर हो गई, खड़े खड़े मेरी टांगें सुन हो गई, चप्पल नहीं पहनी हुई, पाँव के नीचे पता नहीं क्या, मुझे शायद कोई चोट वोट भी लग गई थी। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ इतनी देर में खड़ा हूँ वहीं पे, अच्छा इतनी देर लगा रहा हूँ, अंकल से बातें कर रहा हूँ, अंकल भी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करें, हाँ कुछ नहीं होता, आ जाते हैं अभी आ जाते हैं। फिर मैंने अंकल में दोबारा कॉल करनी, अंकल कहते हैं आ रहे हैं, मैंने नहीं अंकल दोबारा कॉल करनी मुझे, फिर दोबारा कॉल किया, वो कहते हैं हाँ आ रहे हैं टेंशन नहीं लो। अच्छा उसके बाद फिर मैं खड़ा रहा, फिर अब्बू आ गए वहाँ से, मैंने देखा वो दूर से आ रहे हैं, अब्बू एंट्रेंस से पीछे वाली साइड से, मतलब वहाँ से एंटर होने की तरफ आ रहे थे, अब पीछे जलसे से कहीं नहीं आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे ग्राउंड की तरफ। तो वहाँ पे मैंने देखा, फिर मेरा अब्बू देखा, फिर मैंने कहा अब्बू आ गए ये करिए, फिर अब्बू मुझे लेकर गए। अब्बू ने पूछा क्या हुआ था, मैंने कहा बस आप गुम हो गए थे तो मैं करता। फिर अब्बू कहते क्या क्या किया, फिर मैंने कहा मैंने आपको इतना ढूंढा, इतना सब किया, अम्मी सारे हम लोग गाड़ी में थे, तो अम्मी ने पूछा क्या किया सब कुछ ये वो, मैंने कहा मेरी चप्पल भी गुम हो गई और क्या नाम है, मैं अब्बू को भी ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं कहीं से वो। तो उसके बाद फिर मैं नीचे गया ढलान की तरफ, वहाँ पे मैंने अंकल को कॉल की, पुलिस वाले अंकल में मिले, मैंने अंकल को कहा कि मुझे ना कॉल करनी है, तो फिर उन्होंने मुझसे मुझे कॉल कराई, फिर मैंने बात की, कहते हाँ अच्छा किया ये, तुम इधर उधर नहीं चले गए, तुम पुलिस वाले के पास चले गए, अच्छी बात है ये वो। तो ये एक मेरे दिमाग में स्टोरी थी, मैंने सोचा मैं आपको सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी लगी होगी। अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, और इस तरह जल्द से जल्द से वगैरह जाएँ तो फिर ज़रा ना ख्याल रखा करें, क्योंकि बड़ा जो है ना बड़े मसले हो जाते हैं वहाँ पे, और आजकल तो ऐसे फटे फुटे भी होते रहते हैं, तो ज़रा ख्याल रखिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।